वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्यूट सा मेकअप लुक फॉर कॉलेज एंड ऑफिस गोइंग गर्ल यूजिंग फेयर एंड लवली बेबी फाउंडेशन क्रीम। सो गाइज, जस्ट ये 70 रुपीज, आई थिंक 70-80 समथिंग की मैंने ली है। तो इसे यूज करके मैं आपके लिए एक परफेक्ट सा यू नो लुक क्रिएट करने वाली हूँ। नाउ मेकअप करने से पहले मैं सबसे पहले लगाती हूँ गुड वाइब्स का ये रोज ग्लो टोनर। अगर आप टोनर नहीं यूज कर रहे हैं तो भाई जल्दी से यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसकी जगह आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। नाउ पूरे फेस पे मैंने इसे अप्लाई किया है। आफ्टर दैट फिंगर की हेल्प से इसे इस तरीके से उन्हें डैप डैप करके अपनी स्किन में पुश कर ले ताकि अच्छे से अपना काम करे और आपकी स्किन को ग्लोई बनाए। नाउ गाइस, नेक्स्ट मैं प्राइमर के लिए यूज कर रही हूँ पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल, और हल्का सा मैंने लिया है इस तरीके से और अपने फेस पे अच्छे से पूरे फेस से अप्लाई कर रही हूँ। एलोवेरा आपके फेस पे जितने भी ओपन पोर्स है उनको ब्लर आउट कर देगा, प्लस आपके फेस को स्मूथ एंड हेल्दी रखेगा। ये देखिए, मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया। नाउ गाइस, इसके बाद मैं फेयर एंड लवली बीबी क्रीम यूज कर रही हूँ और एक मिरर की हेल्प से इसे पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। नाउ जस्ट आपको इसे ब्लेंड करना है। नाउ हल्की सी क्रीम मैंने डार्क सर्कल्स पे भी अप्लाई की है ताकि जो भी मेरे होरेबल वाले डार्क सर्कल्स है वो गायब हो जाए। नाउ इसके बाद नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की बेबी लिप्स लिप बाम, जो कि ज़्यादातर गर्ल्स की फेवरेट है। नाउ गाइस, नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का लूज पाउडर अपने फेस को सेट करने के लिए। जो मैंने क्रीम अपने फेस पे अप्लाई की है इससे वो सेट हो जाएगी। तो इसके साथ हमें एक इस तरीके से ना स्पॉन्ज मिलता है, सो इस स्पॉन्ज की हेल्प से ही इसे अपने फेस पे मैं सेट कर रही हूँ। तो गाइस, पूरे फेस पे मैंने अच्छे से जो पाउडर लगाया था उसको सेट कर लिया, मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। नाउ गाइस, इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे की ब्राउ पेंसिल, एंड यू कैन सी ये मेरी जस्ट खत्म होने वाली है। तो देखो, ब्राउ को फिल करने के बाद ना एक फेस से अलग ही निखार आ जाता है। तो अगर आप इस स्टेप को स्किप करते हो तो प्लीज मत कीजिए, जस्ट 50-60 रुपीज की आपको इजिली मिल जाएगी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही जगह। नाउ गाइज, इसके बाद अब बारी आती है लाइनर की। तो लाइनर मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है, बिकॉज कॉलेज टाइम में मुझे लाइनर बहुत ज़्यादा पसंद था, काजल मुझे इतना पसंद नहीं था, तो मैं यही लाइनर यूज़ करती थी बिकॉज ये मेरे बजट में फिट हो जाता था। सो ये है लैक्मे इंस्टा लाइनर, जस्ट 90 रुपीज़ का ही आपको ऑफलाइन मिल जाए। हल्की हल्की मैंने पिंक क्रिएट की है बिकॉज इससे मेरा आई मेकअप बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। नाउ गाइस, इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये सभी आपके बजट में फिट हो जाएंगे, प्लस ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही जगह अवेलेबल है। नाउ गाइज, नेक्स्ट अगर आपको काजल लगाना है तो आप लैक्मे का या फिर मेबलिन का काजल यूज कर सकते हैं। नाउ गाइज, लिपस्टिक के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे 2 शेड पिक की है जो कि मेबलिन की है दोनों, और एक न्यूड शेड है एक रेड शेड है। 50% गर्ल्स को रेड शेड पसंद है, 50% को न्यूड शेड पसंद है। सो यहाँ पर मैंने आपके दोनों ही शेड यूनो पिक किए हैं। तो फर्स्ट वन है मेबलिन की कलर सेंसेशनल 02 एशी रेड है, अगेन ये न्यूड पिंक है, SNU 15 शेड, ये न्यूड शेड है, ये रेड शेड है। तो फर्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये न्यूड शेड, एंड गाइज ये जो लिपस्टिक है ये भी अगेन आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करती है। I know that we can rise together.
सी गाइज, ये जो लिपस्टिक है परफेक्टली न्यूट जाती है, प्लस आपके लिप्स को अच्छे से यू नो मॉइस्चराइज करती है एज यू कैन सी। नाउ जो नेक्स्ट शेड है मैं वो अप्लाई कर रही हूँ। सी गाइज, ये जो शेड है अगेन ये आपके फेस पे बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। ये ऑल स्किन टाइप जो आती है, जो न्यूड का इन शेड है, फेयर एंड मीडियम स्किन टोन के लिए बिल्कुल सही है। सो ये है रेड शेड। अब यहाँ पे एक चीज की कमी है जो कि मैं करने वाली हूँ, ब्लश। तो गाइज यहाँ पर आपको जस्ट फिंगर पे लेना है, कोई भी डार्क कलर की लिपस्टिक हो चलेगी। सो इस तरीके से आपको फिंगर पे लेना है, इस तरीके से यू नो टू फिंगर्स पे मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। आफ्टर दैट जो आपके एपल ऑफ द चीक्स है उस पे जस्ट इस तरीके से आपको फेस को करना है, स्पेशली नोज को भी कवर करना क्योंकि क्यूट लगता है ये बहुत। सो गाइज एज यू कैन सी मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। नाउ गाइज इस तरह से आपने इसे लगाया है, बट उसी टाइम अगर आपको ये थोड़ा सा डार्कर लग रहा है तो जो कॉम्पैक्ट पाउडर है आपका वो हल्का सा यूज कीजिए, उसे शेड लाइटर हो जाएगा और परफेक्टली हो गया ना आपका क्यूट सा न्यूड लुक। चाहे आप इसे कॉलेज पे जा रहे हैं वहाँ करिए, चाहे ऑफिस जा रहे हैं वहाँ करिए, और सुंदर लगेगा काफ़ी ये। Now guys you are ready to go. So guys this is the final makeup look and I really hope ki aapko mera ye college office makeup look pasand aaya ho. Using this fair and lovely BB foundation cream and I really hope ki ye video aapke liye helpful rahi ho then don't forget to like share and subscribe to my YouTube channel aise aur bhi amazing videos dekhne ke liye. So milte hain meri next video mein, tab tak ke liye bye. Love you. Diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that